नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आज पूरा विश्व अघोषित आपातकाल स्थिति से गुजर रहा है और इसका जो मेन कारण है कोरोना वायरस। इससे डरने की आवश्यकता नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। तो कोरोना से डरो ना और इसके प्रति जागरूक हो, सतर्क रहें और अफवाह से बचें, तभी जाकर इससे हम संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। CFM न्यूज़ चैनल, आज हम लोग पराकर के शादी के एक पंडाल में हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि संतोष ह्यूमन राइट्स एंड जन कल्याण फाउंडेशन जो एक NGO है और ये पूरे हिंदुस्तान में अपने सोशल काम से जाने जाती है। आज इन्होंने एक बीड़ा उठाया है और एक गरीब बच्ची की शादी करा रही है। आइए जानते हैं उनके जो चेयरमैन है, उनके जो कर्ता धरता है, इसके बाद उन लोगों का फिर नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम इन आवर चैनल। आज आप लोग यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हो? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। आचार्य संतोष कुमार पांडे, संतोष ह्यूमन राइट एंड जन कल्याण फाउंडेशन से राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। आज बड़ाकर के आरा डंगाल स्थित जगह में एक शादी समारोह है। शबाना प्रवीण का शादी है। आज हम लोग पहुँचे हैं। हमारी संस्था संतोष ह्यूमन राइट एंड जन कल्याण फाउंडेशन के युवा चेयरमैन पश्चिम बंगाल अभिषेक राय, सह ओंकार पांडे पश्चिम बंगाल सचिव, एवं संजय प्रसाद, संतोष चौधरी हमारे काजलदा, सब लोग पहुँचे हैं। एक बेटी की शादी है, बहन की शादी है और मैं चाहता हूँ और हम लोग खुशी से अपने संस्था के तरफ से एक LCD TV हम लोग दे रहे हैं ताकि समाज में बहुत ही बेहतरीन एक संपर्क और एक बहुत बड़ा परामर्श जाएगा, जिससे कि आने वाला समय में बहुत ही बड़ा महत्व रखेंगे आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हम लोग कह के जो लड़ते झगड़ते रहते हैं। सर, वो तो ठीक है। आज कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आपको शामिल होकर? बहुत खुशी लग रहा है। हमारे संगठन से ये जो कार्यक्रम हो रही है, शादी का आयोजन हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। आपकी संगठन तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देखते रहे, एक्टिविटीज़ उनके देखते रहते हैं, और क्या क्या करते हो आप? जी, हम लोग ज़्यादातर विकलांगों के ऊपर में फोकस करते हैं। उसके बाद समाज में हो रही लचर व्यवस्था के लिए सामाजिक काम करते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं और शादी समारोह का आयोजन करते हैं। आने वाला नेक्स्ट समय में मैं 10 जोड़े का चाहता हूँ शादी करवाऊँ एक साथ में, और हम तो यही चाहेंगे हमारे जितने भी समाज सेवी हैं या जो भी संगठन हमारे साथ होकर के साथ देना चाहती है, साथ काम उनको साथ देना चाहिए। हम लोगों ने देखा बड़ाकर में आपकी पूरी एक यंग टीम है। यस, ये जो टीम आपने आपकी जो बनी है जी, क्या उम्मीद है इन लोगों से? मुझे तो मैं बेहद उम्मीद करता हूँ। और सबसे पहली ये कहावत है कि समाज में कोई भी आप ईख लगाते हैं तो उसको हम लोग ये नहीं सोचते उसमें चीनी नहीं डालते हैं, उसको समय के ऊपर छोड़ते हैं। और हमारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार किसान बन के कोई ईख को रोपता है और उसको शुरू से सींचते हुए उसके ऊपर भरोसा रखता है तो एक दिन ईख जो है वो मीठापन अपना देते हैं, तो उसी तरह मुझे अपने हर एक सदस्यों और पदाधिकारी पे भरोसा है कि मुझे वो ईख के जैसा एक दिन स्वाद और वो पूरे समाज को ईख के जैसा रसदार रस देंगे। आज शादी है और ये जो दो जोड़ा बहुत मुकद्दस रिश्ते में मुंसलिक होंगे, ये दूल्हा दुल्हन के लिए कोई आखिरी मैसेज देता है? ज्योतिषा चार्ज हूँ मैं, यही चाहूँगा दोनों दाम्पत्य जीवन में सुखी रहे, दिल से आशीर्वाद है। हमारे समस्त संतोष ह्यूमन राइट एंड जन कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नव जोड़े को। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक राय हुआ। आप संतोष ह्यूमन राइट्स एंड जन कल्याण फाउंडेशन किस पोस्ट पर? मैं पश्चिम बंगाल युवा चेयरमैन का पद से अभी संभाल रहा हूं। अभी कुछ दिन ही पहले हमारे चेयरमैन साहब ने इस पद से मुझे सम्मानित किया और कार्यभार यहां का देने का मुझे सौभाग्य लेने का सौभाग्य मिला है। और देख रहे हैं हम इस संस्था के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे, अपने पूरे दिल से करेंगे और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। चेयरमैन से मिलने के बाद कैसा फीलिंग हुआ? बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई। और हमारे चेयरमैन साहब को मिलने के बाद एक अंदर से उत्साह इसलिए मिलता है कि हमारे चेयरमैन साहब दिव्यांग है और दिव्यांग होकर जो कर रहे हैं वो अच्छे अच्छे हष्ट पुष्ट इंसान नहीं कर पाते हैं, उन लोगों का सहयोग नहीं कर पाते जिन लोगों को हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। और एक दिव्यांग होकर ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल स्तर पर इस संस्था के लिए और इस संस्था के द्वारा बहुत कुछ कर रहे हैं, इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी सीखेंगे हम लोग और करेंगे। आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे जरूरत है?
इस हमारे संस्था से एक सदस्य यहीं से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा 4-5 दिन पहले उनसे उन्होंने हमारे पास आके बोला कि भैया ऐसा ऐसा चेयरमैन साहब ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को कुछ आर्थिक सहयोग करना है, एक लड़की की शादी है, उनको पूर्ण रूप से आर्थिक लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम लोगों ने अपने संस्था से बात किया, मैंने चेयरमैन साहब से बात किया, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ठीक है जितना सहयोग हो सकता है हम लोग करेंगे, और वही हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आपने जो वादा किया वो आज हम लोगों ने देखा, निभा रहे हो, जी जी लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, दिल से बहुत खुशी महसूस हो रही है, और कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ऐसा अच्छा काम हम लोग और करते रहें। इस सेल्फिश दौर में अगर हम लोग एक दूसरे का काम आते हैं तो और कैसा फील होता है? इस सेल्फिश दौर में अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हम लोग ज़्यादा दिन तक हम लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर फिर सिर्फ अपना अपना देखना होता है वहाँ पर प्रेम और स्नेह खत्म हो जाता है, और आज के समय में केवल सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं, जनता के लिए सोच नहीं रहे हैं, गरीब आदमी के लिए नहीं सोच रहे हैं। सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए समय पूरे दिन भर में केवल 1-2 घंटा इंसान अगर जन कल्याण के लिए निकाले तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही कम आदमी हैं जो दुखी रहेंगे, क्योंकि सब आदमी के मिलने से सारा दुख खत्म हो जाता है जहाँ तक मुझे लगता है, और संगठन को हम लोग जितना मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग आदमी लोगों का सहयोग कर सकेंगे। इस खुशी के पल में मैं चाह रहा हूँ कि जो दूल्हा दुल्हन है उसको उसके लिए क्या कहोगे? हम अपने दिल से उन लोगों को प्रेम स्नेह और आशीर्वाद देते हैं कि वो पूरा जीवन में वो लोग सुखी रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी से बीते, और आगे चल के भी किसी प्रकार का सहयोग को उन लोगों को लगेगा तो ये संस्था 24 घंटा उन लोगों के सहयोग के लिए खड़ा है। बहुत दर्शकों को भी तहे दिल से शुक्रिया। क्या नाम हो सर आपका? जी हमारा नाम हुआ ओंकार पांडे। आप ये किस पोस्ट में हैं? जी हम पश्चिम बंगाल सचिव हैं, सचिव पोस्ट पर हैं। बात आता है तो हम लोग देखते हैं कि बलाकर एक ऐसी जमीन है जहाँ पे हिंदू मुसलमान सब आपस में बहुत मोहब्बत से रहते हैं जी, और आज आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों के लिए क्या मैसेज है? बहुत है, जहाँ बोलता है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, ना जहाँ सुमति हो वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति अर्जित किया जा सकता है ना। हम लोग देख रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो जी, हम चाह रहे हैं कि आप और लोगों से रिक्वेस्ट कर दें ज्यादा से ज्यादा लोग संतोष ह्यूमन राइट्स जन कल्याण से जुड़ सकें। जरूर, संतोष जन कल्याण फाउंडेशन है ना, बहुत अच्छा है। और कैसा लग रहा है इसमें आप जुड़े हो तो? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ उम्मीदें हैं कि आप गरीब के काम आ पाओगे? बहुत उम्मीद है, जहाँ तक है कि सोच के रखें कि आगे चल करके बहुत कुछ करेंगे। और ये जो जिन लोगों ने आपको हेल्प किया, मदद किया, उसके लिए क्या कहोगे? शुक्रिया कहेंगे। आपकी जो बेटी की शादी में जो परेशानी आ रही थी जी, तो फिर इन लोग से आपका मुलाकात कैसे हुआ, कैसे पता चला? हम लोग का जान पहचान थोड़ा पहले से भी था। अच्छा। सबाज के साथ, ये मेरा देवर का लड़का है। अच्छा। जिसको आप लोग बीरे बोलते हैं। अच्छा। उसी से पहचान बोले थे। इन लोग का रिप्लाई क्या बोले लोग? इन लोग के बोले हैं जो मतलब कुछ हेल्प करा, तो इन लोग बोला कि हम ठीक है हम करवा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? MD शहबाज हुसैन। आप संतोष ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हो जी। आपने बहुत बड़ा काम किया और हम लोगों ने देखा कि आज आपकी वजह से एक बहुत अच्छा काम हुआ है जी। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। फिर इससे पहले भी हम लोग तो इससे पहले भी काम करते थे हम लोग, सही है ना। इसके लिए अगर किसी मामले में शादी भी है कोई भी हुआ तो आगे भैया लोग से बोलते थे, हेल्प करते थे, ऐसे बात नहीं। इससे पहले भी और आज भी कर रहे हैं।